गरुड़ प्राण के आचार कांड में वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास जी महाराज, संभव मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्यित तथा सृष्टि स्थिति और परलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूं, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन याजन दान प्रतिग्रह अध्ययन और अध्यापन, ये छह कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्य के धर्म बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्म के अनुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रुवा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्निकार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म हैं। चारों आश्रमों के दो भेद माने गए हैं। इनके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वान तथा नैष्टिक ये दो भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेद आदि का अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वान है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेद अध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, अग्निकार्य, अतिथि सेवा, यज्ञदान और देवर्चन ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। ग्रस्त के साधक और उदासीन दो प्रकार के हैं। जो ग्रस्त परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह साधक है। जो ग्रस्त पितृऋण देवऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धन आदि का भी त्याग करके एकाकी धर्मचरण करता हुआ विचरण करता रहता है वह उदासीन ग्रस्त है, उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। भूमिशयन, फल मूल का आहार, वेद अध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथा अधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपशरण करता है, देवर्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा सिद्धाय में सदैव अनुरक्त रहता है वे वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर की अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहते हैं वे वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। जो भिक्षु सन्यासी आश्रम नित्य योग अभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है उसको परमेष्टिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्व अनुसंधान में प्रेम रखने वाले नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेद अध्ययन, मौन अवलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षुक अर्थात संन्यास आश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। परमेष्टिक सन्यासी तीन प्रकार के हैं, ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी और कर्म सन्यासी। योगी के भी तीन प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय करके स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है, दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो परमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं।
वेद शास्त्र के अनुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्र आदि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं वे प्रवृत्ति कर्म हैं, तथा सविधि कर्म अनुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्म ज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा दम दया दान निर्लोभता सिद्ध्याय सरलता अनसुया तीर्थ का अनुसरण सत्य संतोष आस्तिक्य इंद्रिय निग्रह देवर्जन विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन अहिंसा प्रियवाता अरुक्षता और चुगली नहीं करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूं। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्रजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्रजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में ना भागने वाले धर्मरत क्षत्रिय को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुत देव के स्थान को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होते हैं। उदार रेतम ब्रह्मनिष्ठ 88,000 ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था वह स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि अत्रि आदि सप्त ऋषियों को प्राप्त है वह स्थान वानप्रस्थ आश्रमी प्राप्त करते हैं। संयत चित्त वाले उदार रेतम संन्यासियों को वह आनंद रूप परम ब्रह्म पद प्राप्त होता है जहां से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। यह पर ब्रह्म पद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप से उसे भी कह रहा हूं, आप सुने। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये 5 यम है। प्राणी की हिंसा नहीं करना अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण न करना अस्ते है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शोक संतोष तप सिद्ध्याय तथा प्रणिधान ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शोच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष की तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को सिद्ध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पदम आदि प्रकार से स्थित होता आसन कहा जाता है। वायु का विरोध करना प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चारण करते हुए देव का ध्यान करना सघर प्राणायाम है। इसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अघर प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकांतर से 3 प्रकार का कहा गया है, यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम, वायु को रोककर ते इंद्रियों को स्थिर करना कुंभक और उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम है तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना अर्थात ब्रह्माकार आवृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है।
अहम ब्रह्म इस प्रकार अभेद जान ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थित समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। वे पर ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है, वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं, वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्त्वम असि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अशरीरी इंद्रियातीत हूँ, मन बुद्धि मह तत्व अहंकार आदि से रहित जागृत स्वप्न सुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य अनंत स्वरूप अद्वै कहा जाने वाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूं। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण बंधन से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में संध्या उपासना तर्पण देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा अशोच का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उषाकाल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करे। अंतर यथाविधि शोच आदि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करे। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए यतन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है क्योंकि ये स्नान लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में सुखपूर्वक सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अतः संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदन आदि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत्य किए संध्या वंदन आदि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अलक्ष्मी काल करनी अर्थात विघन डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां, दुस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यह समरणीय है कि बिना स्नान के किए हुए कार्य प्रशस्त नहीं होते हैं। अतः होम और जप आदि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आर्द्र वस्त्र से भी शीर को पोछा जा सकता है, इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्म अग्नि वायव्य दिव्य वारुण और योगिक ये छह प्रकार के स्नान हैं। यथा अधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्रों सहित कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्म स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आग्नेय स्नान है। गोधूली से शीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है, यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारुण स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन योगिक स्थान है। इसी को मानस आत्मवेदन ब्रह्माकार अखंड चित्तवृत्ति कहते हैं। ये योगिक स्नान ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित है, इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ मालती अपामार्ग बिल्व अथवा करवीर अर्थात कनेर की दातुन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्थान में त्याग करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके देवताओं ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए।
यहाँ यथा शास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्या उपासना के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्या उपासना के अंग रूप में ही कुशोदक बिंदुओं से आपोहिष्टा आदि वारुण मंत्र का एवं यथाविधान सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रम में ओमकार और भू भव स्व इन व्याहुतियों से युक्त वेद माता गायत्री का जप करके अनन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलांजलि समर्पित करें। इसी क्रम में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। ये जो संध्या है वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला ऐश्वरी केवला शक्ति तथा तीन तत्वों से समुद्धित है। अतः अधिकारी व्यक्ति प्रातःकाल रक्तवरण, मध्यान्ह काल शुक्लवरण एवं सायंकाल कृष्णवरण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। द्वित को सदैव पूरब की ओर मुख कर संध्या उपासना करनी चाहिए। संध्याकृत से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वे सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है उसका कुछ भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है। अनन्य चित होकर वेद परंगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्या उपासना करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्या उपासन का त्याग करके जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए। उस संध्या उपासना क्रम से योगमूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारी को चाहिए कि वे पितृ होकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके नित्य संयत भाव से 1,000 या 100 अथवा 10 बार गायत्री जप अवश्य करें। गायत्री का 1,000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम और 10 बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है। एकाग्रचित होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उपस्थान करें। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेदों में आए हुए विविध सौर मंत्रों से देवादिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उपस्थान करके पृथ्वी पर मस्तक टेक कर इस मंत्र से इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। ओम खगोलकाय शांताय कारंत्रय हेत्वे निवेद्यामि च आत्मान नमस्ते ज्ञान रूपने त्वमय ब्रह्म परम मापो ज्योति रसो अमृतम भोर भव स्व तम ओंकार सर्व रुद्र सनातन। अर्थात शांत स्वरूप भगवान भास्कर आप सृष्टि स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं, मैं आपको आत्म निवेदन करता हूं, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही ज्योति स्वरूप, आप स्वरूप रस रूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भू भव स्व ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओंकार रूप सर्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशी हैं, आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः मध्यान्ह तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करे। तदंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्त अवस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋतिक पुत्र अथवा पत्नी शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करें। मंत्रविहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता है। तंत्र देवताओं को नमस्कार करके अर्ध्य पाध्य चंदन सुगंधित पदार्थ का अनुलेपन वस्त्र तथा नैवेद्य आदि पूजा के उपचारों को निवेदन करके गुरु का पूजन करें और उनके हित साधन में लग जाए। तत्पश्चात प्रयत्न पूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेद अभ्यास करना चाहिए और इसके बाद इष्ट मंत्रों का जप वेद प्रायण करके शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए।
मैं शिष्यों को वेदार्थ धारण कराए और दत्चित होकर वेदार्थ का विचार करे, द्विजोत्तम धर्म शास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करे और वेद आदि निगम शास्त्रों अर्थात उपनिषदों तथा व्याकरण आदि वेदांगों का अच्छी प्रकार अवलोकन करें। इसके बाद वह पुनः योगक्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाए और अपने परिवार के लिए विविध प्रकार के अर्थों का उपार्जन करे। इसके पश्चात मध्यान्ह काल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गौ में अर्थात गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्र करना चाहिए। इसके बाद नदी, देव, पोखर, तड़ाग या सरोवर में जाकर स्नान करें। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृत का पिंड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है। अतः 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के समय मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को और तीसरे भाग से नाभि से नीचे के भाग का और मृतका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृतका पिंडों को परिमाण में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृतका के समान ही गौ में स्नान भी होना चाहिए। तदंतर शीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृत का गौ में आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंग बहुत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रण करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। यह स्नान की प्रक्रिया प्रणव स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमज्जन डुबकी लगाने से पूरी होती है। तदंतर स्नानांग आचमन करके इस प्रकार से मंत्र से आचमन करना चाहिए कि हे जल देव, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में विचरण करते हैं, आप सर्वत्र मुख वाले हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृत में रस स्वरूप हैं। द्रुपद अधिवा इस मंत्र का 3 बार उच्चारण तथा प्रणव एवं व्याहुति सहित सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अगमर्षण मंत्र का जप करे। तदंतर ओम आपो हिष्ठा मयो भवा इदमापा प्रवहता तथा व्याहुतियों से मार्जन करना चाहिए। अनंतर आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर द्रुपदादि आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या तद विष्णु परम पदम आदि मंत्र अथवा प्रणव की आवृत्ति करनी चाहिए और देवादि देव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अघमर्षण क्रिया एम मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। संध्या उपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजलि को शिरो भाग से लगाकर सूर्य का उपस्थान करना चाहिए और उपस्थान के बाद अपनी अंजलि के पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए, अतः विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम अदित्य चित्र तच्चक्षु इन मंत्रों से तथा ओम ह स शुचिपद इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्रों से एम अपने सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्र से सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। तंतर पूर्व अग्र कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्र जीव या अब्जाक से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए।
अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पितृ भूमि में कुछ शासन पर बैठकर एकाग्रचित होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा करके भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तंत्र आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखा के अनुसार सिद्धाई करें। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंत्रों के प्रारंभ में ओमकार का और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और पितर का तर्पण कर रहा हूं, ऐसा कहकर तर्पण करें। देवताओं और मरिच आदि ब्रह्म ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगण और देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्तिपूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलांजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देव तीर्थ से करें और निमिति होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषियों का ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर पितृतीर्थ से पितरों का तर्पण करें। तंत्र हे हर स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प पत्र और जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णु देव का पूजन करें। क्रोध रहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभिष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प आदि समर्पित करें। जल सर्व में देव है अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त हैं, अतः उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित होना चाहिए तथा प्रणव के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता है, अतः समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तद्विष्णु रीति मंत्र द्वारा पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्म निवेदन करें अर्थात शरणागत हो जाएं। इसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव व भक्त तद विष्णु इस मंत्र से और अप्रेतस शिरा इस मंत्र से अभिमंत्रित पुष्पासन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करें। तर्पण से पूर्व ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है, अतः मानुष यज्ञ करके सिद्धाय अर्थात ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वैश्य देव ही देव यज्ञ हैं। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि दी जाती है वे भूत यज्ञ है। चंडाल एम्पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए और कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए। पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन करावें। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। ये उत्तम गति प्रदान करने वाला है अथवा समाहित होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करें। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करें और उनका अर्चन करें। एक ग्रास परिमाण मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो चार गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के चार गुना अन्न को हंतकार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र काल तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करें। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा ना करते हुए भोजन करें। हे दीक्षश्रेष्ठ, जो देव यज्ञ आदि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ आत्मा त्रिक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेद अभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवता अर्चन शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर देते हैं।
जो मोमश अथवा आलस्य के कारण बिना देव अर्चन किए ही भोजन करता है उसे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर सुकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशोच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूं। जो अपवित्र है वे सदा पात की है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशोच होता है और उनके संसर्ग का प्रत्याग कर देने से शीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों तक का अशोच मानते हैं। यह अशोच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने के पूर्व तक बालक के मृत्यु होने पर सद्य स्नान करने से अशोच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा अर्थात मुंडन संस्कार पर्यंत बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशोच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक अर्थात बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशोच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथाविधान 10 रात्रि का अशोच ब्राह्मणों को होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनकी यथाक्रम 12 दिन का, 15 दिन का और 1 मास का अशोच होता है। सन्यासियों को अशोच नहीं लगता है। गर्भस्ताव होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का अशोच होता है, अर्थात 1 मास का गर्भस्त्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्त्राव होने पर 2 रात्रि का अशोच होता है। इसी क्रम से अन्य मासों की गणना करके अशोच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में दान धर्म का निरूपण एवं विभिन्न देवताओं की उपासना। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूं। सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ अर्थात भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्म वित्त जनों का कहना है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वह न्याय पूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, याजन तथा पतिग्रह से ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। इनके लिए कुसीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति, युद्ध आदि कृत्य त्याज्य हैं। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य नैमित्तिक काम्य और विमल 4 प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में जो धन दिया जाता है सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवित्त जनों को सत्य वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। ये दान कल्याणकारी है। एक की हरी भरी फसल से युक्त या गेहूं की फसल से संपन्न शस्य श्रामल भूमि का दान वेदवित ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान ना हुआ है ना होगा ही। ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वे सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उसकी गंध आदि से भरी प्रकार पूजा करके उनसे ये कहलवाता है या स्वयं कहता है
प्रियताम धर्मराज इति यथामनसी वर्तते, अर्थात हे धर्मराज मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर के किए हुए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चरण में रखकर ब्राह्मण को देता है वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है, अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने के लिए इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रीतन पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए, साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म रूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाला मनुष्य अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति विनायक गणेश जी का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति की इच्छा होने पर वायु की पूजा करे। संसार से मुक्त होने की अभिलाषा होने पर प्रयत्न पूर्वक भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्यों को भगवान गदाधर हरि को पूजा करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिल दान से अभिष्ट संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलक्षित पदार्थ, स्वर्ण दान से दीर्घायु, ग्रह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्व दान करने से अश्विनी कुमार के लोक की प्राप्ति होती। बैल का दान देने से विपुल संपत्ति का लाभ और गौ दान से सूर्य लोक प्राप्त होता है। यान और शिया का दान करने पर भार्या तथा भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेद के वेद अध्ययन दान से ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञान उपदेश करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काष्ट आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त असीपत्र वन नाम के नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टम है तथा प्रिय है उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण दक्षिणायन महाविषुवत काल सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एम कर्क मेष मकर आदि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मणों को दिया गया दान पर लोक में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। ज्ञात क्षेत्र के तीर्थों में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए दूसरा कोई नहीं है। दान स्वर्ग आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है।
गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है वे पापी त्रिय पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणासन्न ब्राह्मण को अन्न आदि का दान नहीं करता है वे ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में प्राश्चित निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा है ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्राश्चित विधि को बड़ी प्रकार कह रहा हूं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्महंता मद्रापान करने में निरत मध्यपि चोरी करने वाला स्तेई तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरु पत्नी कामी, ये चार महापाप की हैं। इन सभी का संसर्ग अर्थात साथ करने वाला पांचवा महापाप की है। गोहत्या आदि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक हैं, ऐसा देवताओं को कहना है। जिसने ब्रह्म हत्या की है उसे वन में स्वयं परण कुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षों तक रहना चाहिए अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से घिरकर अपने प्राणों का प्रत्याग कर देना चाहिए। जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना ना हो और मरण निश्चित हो इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण प्रत्याग, अघात जल में प्रवेश करके प्राण प्रत्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण प्रत्याग भी ब्रह्म हत्या दोष के निवारक हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए प्राण प्रत्याग के जो साधन बताए गए हैं उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को अन्न दान करना अनिवार्य है। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अभृत स्नान से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने से ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा जमुना, इन नदियों के पितृ संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन 3 काल में स्नान करके भी द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतु बंध रमेश्वरम अर्थात कपाल मोचन तीर्थ या वाराणसी के पितृ तीर्थ में स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती। मध्यपि द्विज अग्निवरण के सदृश अर्थात अंतःकरण को जला देने वाली खोलती हुई मद्रा अथवा दूध घृत या गोमूत्र का पान करके तज्जनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सन की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है। अथवा जीन छीन वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्म हत्या नाशक प्राश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लो निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए। अथवा ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो वस्त्र व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चंद्रायन व्रत करने से भी गुरु पत्नी गमन जनित पाप से मुक्ति हो सकती है। ज्योतिज पथिक जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए। अथवा वह आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तप्त कृच्छ व्रत का अनुपालन करे। विधिवत किया गया सर्वस्व दान सभी पापों को दूर करने वाला होता है। अथवा विधिवत चंद्रायन व्रत तथा अति कृच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गे आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की सम्यक रूप से आराधना करके ब्राह्मण को भोजन प्रदान करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयचित से पितृ नदी में स्नान करके ओंकार से युक्त यम धर्मराज मृत्यु अंतक व्यवस्थ काल तथा सर्वभूतक्षय इन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलांजलियों से तर्पण करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी को सूर्य उदय की पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समय में मंत्र का जप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवर्चन तथा ब्राह्मण पूजन, ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देह अवसान के बाद पति का वियोग असहाय होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शीत के साथ शास्त्र की विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है तो ब्रह्म हत्या, कृत घंता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है अपने पति की सेवा शुरुआत में दक्षित रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वे वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगत विख्यात भक्ति सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही तथा अपने पातिव्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। हे यतव्रत, संयचित होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही यह बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदचरण का फल भी प्राप्त करता है। गरुड पुराण के आचार कांड में नवनिधियों के लक्षण से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पदम, महापदम, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और शंख नाम की अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूं। पदम निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वह स्वर्ण, चांदी और मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकों को दान देता है। महापदम चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों को करता रहता है। पदम तथा महापदम निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि के चिन्ह से चिन्हित मनुष्य खड़क, बाण एवं कुंत, भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाले होते हैं। वे नित्य श्रोत्री ब्राह्मणों को दान देते हैं और राजाओं के साथ उनकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्य आदि का आहरण करने के लिए वे शत्रुओं का विनाश करते हैं और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहते हैं। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वे न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वे एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़ कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वे राज्य संग्रह में लगा रहता है। वे भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वैश्य आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुण वाला होता है। वे कुल का आधार बनता है। वे स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से शोभित मानव सात्विक तेज से संयुक्त होता है। वे वस्त्र, धान्य आदि का संग्रह तथा तड़ाग आदि का निर्माण करता है।
उसके द्वारा जनहित में आम्र आदि के उद्यान में लगवाए जाते हैं। उनकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि 1 ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे समन्वित मनुष्य धन आदि का स्वयं तो भोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वर्ग स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र अर्थात मिलीजुली निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव और देवों से किया था, उसको मैंने आप सभी को सुना दिया। अब श्री हरि ने भुवन कोश आदि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूं। गरुड़ प्राण के आचार कांड में भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। श्री हरि ने कहा, राजा प्रियव्रत के अग्रिध्र अग्निबाहु वपिष्मान द्युतिमान मेधा मेधातिथि भव्य सुबल पुण्य और ज्योतिष्मान नाम के 10 पुत्र हुए थे। इन पितरों में से मेधा अग्नि बाधु तथा पुण्य नामक 3 पुण्य योगप्रायण योगी जाति समर इन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत विस्मृत नहीं हुआ था तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की, अतः राजा ने सब दीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जल राशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित तथा जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्बू प्लक्ष सालमल कुश क्रोच शाक तथा पुष्कर नाम ये 7 द्वीप हैं जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवन इक्षु सुरा घृत दधि दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध हैं। हे वृषभध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम में एक दूसरे से द्विगुण पर नाम में अवस्थित हैं। जम्बूद्वीप में मेरु नामक पर्वत है जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन धसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वे भी 16,000 योनि के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय हेमकूट तथा निषद, उत्तर में नील क्षेत्र और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। हे रुद्र, प्लक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरण आदि से मुक्त हैं। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं। जम्बूद्वीप के राजा अग्रिद्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशः नाभि किम्प्रोश हरिवर्ष इलावरत रम्य हिरण्यम कुरु भद्राक्ष और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित प्रसिद्ध एक एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभि और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए जो शालग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस हुआ। तेजस के इंद्रधुम्न, इंद्रधुम्न से परमेष्टि, परमेष्टि के प्रतिहार और प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे गए हैं। प्रतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार, प्रस्तार के पुत्र विभु, विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ, नर से विराट, विराट से महातेजस्वी श्रीमान, धीमान से भुवन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भुवन के त्वष्टा, त्वष्टा के विरजा, विरजा के रज, रज के षज्जित तथा षज्जित के विश्व ज्योति नामक पुत्र हुआ था। गरुड़ प्राण के आचार खंड में भारतवर्ष का वर्णन में श्री हरि ने कहा है, वृषभ ध्वज, जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलावरत नामक वर्ष है।
उसके पूर्व में अद्भुत भद्रास्य वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण अग्निकोण में हिरण्यवान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग के किमपुरुष वर्ष कहा गया है, उसके दक्षिण भाग में भारत वर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिम उत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरुवर्ष स्थित है, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। वहां इंद्रदीप, किशेरुमान, ताम्रवरण, कविस्तमान, नागदीप, कटा, सिंगल और वारुण नामक आठ वर्ष हैं। नवा वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है। भारतवर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यमन देश स्थित हैं। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश हैं। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मले, सह, शक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये सात कुल पर्वत हैं। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्दा, वर्दा, सुरसा, शिवा, तापी, पियोशनी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मतगंगा, पियस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशनी नदियां हैं, जिसके जल का पान मध्य देश आदि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, योद्धे, पटचर, कुंत तथा शूरसेन देश के निवासी मध्य देशीय है। पाद्य, सूत, मागध, चेदी, काशे तथा विधे पूर्व में स्थित है। कौशल, कलिंग, बंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित है। पुलिंद, अश्मक, जिमूत ने राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा घन ये दक्षिण पथ भूभाग के निवासी हैं। अम्बस्ट, द्रविड़, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनार्तवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य सैंधव, मलेच्छ, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिम भूभाग हैं। मांडव्य, तुषार, मूलिका, अश्वमुख, खाश, महाकेश, महानास्तेश उत्तर पश्चिम देश में स्थित हैं। लंबक, स्तननाग, माद्र, गंधार, वाहनिक तथा मलेच्छ देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंकनन, अभिशाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे जाते हैं।